Dominating. Unstoppable. Killing spree. Killing spree. Killing spree. Killing spree. Killing spree. Killing spree. Cool down. इससे गलती नहीं मिली आपने भी। Triple kill. Nice. Join the battle. Hello everyone, Assalamualaikum, welcome back to my another video. उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे गाइस। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ iPhone headshot setting और इसके साथ मैं आप लोगों को सेंसिटिविटी और कंट्रोल के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, सेटिंग को स्टेप बाय स्टेप करना क्योंकि बाद में फिर आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। और हाँ गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कंफर्म करवा दूं कि ये कोई हैक वगैरह नहीं है, फ़ोन की अपनी सेटिंग है, आईफोन की अपनी सेटिंग है जिसमें जो है ना आप लोगों ने खुद ड्रैग भी करना है फायर के टाइम पे और डायरेक्शन को भी देखना है कि मतलब किस साइड बंदा भाग रहा है उसी डायरेक्शन में आप लोगों ने फायर करना है। और गाइस ये भी बताता चलो कि ये आला आईफोन में वर्क करता है, कोई मसला नहीं करेगा, अगर करे तो कमेंट कर सकते हो। चलो गाइस अभी चलते हैं फ़ोन की सेटिंग में। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने फ़ोन की सेटिंग पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे, यहाँ पर मैं एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज लार्जर टेक्स्ट को आप लोगों ने ऑन करके बिल्कुल ज़ीरो पर रख देना है और यहाँ से हम लोग बैक करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर जो है ना मोशन में जाएंगे और इसके अलावा यहाँ पर रिड्यूस मोशन को ऑल ऑफ पे रख देना है और यहाँ पर टच में जाएंगे सेंसिटिव टच। इसके बाद यहाँ पर माउस कीज में जाएंगे, यहाँ पर माउस की मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ। माउस कीज में आने के बाद यहाँ पर माउस कीज के साथ दोनों ऑप्शन को ऑन कर देना है, टिल्ट डिले मैक्सिमम स्पीड दोनों को फुल पे रख देना है और यहाँ से हम लोग बैक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर यूज़ गेम कंट्रोल को ऑन कर देना है, ट्रैकिंग सेंसिटिविटी को 100% पर रख देना है और फीडबैक एक्शन को आप लोगों ने टैप पर रख देना है। और यहाँ पर मूवमेंट में जाएंगे, मूवमेंट को आप लोगों ने 90% या 85% पर रख देना है और इसके अलावा यहाँ पर सेकंड्स को 1.50 सेकंड्स पर रख देना है। और यहाँ से भी हम लोग बैक करेंगे। इसके बाद हैप्टिक टच में जाते हैं, यहाँ पर आप लोगों ने हैप्टिक टच को फास्ट पर रख देना है और टच कमेंडेशन में जाते हैं, होल्ड ड्यूरेशन को जो है ना आप लोगों ने ऑन करके 0.10 सेकंड्स पर रख देना है। स्विप गेस्ट को आप लोगों ने एट एक्स पर रख देना है और यहाँ से हम लोग बैक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर स्विच कंट्रोल में जाएंगे, स्विच कंट्रोल में आने के बाद स्कैनिंग स्टाइल को आप लोगों ने ऑटो स्कैनिंग पर रख देना है, स्विच कंट्रोल मोड को जो है ना आप लोगों ने ग्लाइडिंग क्रॉसर पर रख देना है और इसके अलावा यहाँ पर ऑटो स्कैनिंग टाइम को आप लोगों ने 1 सेकंड पर रख देना है, लूप्स को जो है ना आप लोगों ने 7 पर रख देना है और इसके अलावा यहाँ पर टैप बिहेवियर को आप लोगों ने ऑटो टैप पर और 0.60 सेकंड्स पर रख देना है और फोकस आइटम आफ्टर टैप को आप लोगों ने फर्स्ट आइटम पर रख देना है। और इसके अलावा यहाँ पर ग्लाइडिंग क्रॉसर को आप लोगों ने ऑन करके रिफाइंड पर रख देना है और ग्लाइडिंग क्रॉसर स्पीड को 118 पर रख देना है। और इसके अलावा यहाँ पर हेड ट्रैकिंग को भी आप लोग ऑन कर देना है। गाइज अगर किसी के फ़ोन में नहीं है तो कोई मसला नहीं करेगा, अगर हैं तो ऑन करके 100 पर रख देना है और ट्रैकिंग मोड को रिलेटिव टू हेड पर रख देना है ओके। और यहाँ पर जो है ना लॉरस क्रॉसर को आप लोगों ने ऑन कर देना है और क्रॉसर कलर को आप लोगों ने पहले की तरह रेड पर रख देना है। तो चलो गाइस अभी चलते हैं गेम की सेटिंग में, मैं आप लोगों को गेम की सेटिंग बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जाएंगे सेटिंग में, सेंसिटिविटी जनरल को आप लोगों ने 151 पर रख देना है और इसके अलावा यहाँ पर फायर बटन को आप लोगों ने 40% पर रख देना है। और हाँ गाइस अगर आप लोगों ने SMG गन से हेडशॉट मारना है तो फिर फायर बटन को थोड़ा सा नीचे कर देना है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में आने के बाद यहाँ पर FPS को आप लोगों ने हाई पर रख देना है, बाकी ग्राफिक्स को आप लोग स्मूथ या स्टैंडर्ड किसी पर भी रख सकते हो, कोई मसला नहीं करेगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके बाय।